ओके गुड इवनिंग everyone. Welcome वेलकम टू दिस सेशन ओके तो देखो कोर्स ये रिकॉर्डेड मोड में जा रहा है तो कोई बात नहीं जब ये अवेलेबल होगा तो आप लोग देख सकते हैं इसे इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं <laughs> चलो जो अभी कुछ जो चैट देख रहा था मैं कुछ, कुछ तो देखिए छोटे से सेशन में क्या करने वाला हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ठीक है ना गुड इवनिंग वेरी गुड गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच बिकॉज टुडे ओनली माय बुक केम टू मार्केट फोर्थ एडिशन थैंक यू वेरी मच चलो देखो ऐसा है ये पॉइंट पे आते हैं पहली बात तो ये बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो टायर टू और टायर थ्री कॉलेज है मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है ना जिनमें टीचर आता है पढ़ाना आता नहीं है मतलब सम्भव डिग्री मिल जाती है पर कुछ नहीं आता तो ये बच्चे सोचते हैं हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता ये गलत सोच है मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं क्योंकि मैं आपको बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा मैं अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर ईयर से पढ़ा रहा हूं इस, इसमें तो हमारे स्टूडेंट हैं जो टायर थ्री कॉलेज से हैं दे आर प्रोफेसर आई नो सम ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर है और एक यूएस में ये बहुत यू नो पूरे कंपनी का डिजाइन का हेड है वो टायर थ्री कॉलेज से है तो देखो ये तो आप मिसकंसेप्शन छोड़ दो कि भैया हम प्राइवेट थर्ड क्लास कॉलेज से हम कुछ नहीं कर सकते आप बहुत कुछ कर सकते हैं बशर्ते आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए तो देखो बच्चों इसमें क्या करने वाला हूं मैं या थैंक यू वेरी मच तो बहुत सारे बच्चे गुड रैंक इन गेट टू थाउजेंड या क्यों नहीं कर सकते कैप्टन सिल्यूथ पता नहीं यार आजकल बच्चे कैसे कैसे नाम रखते हैं अभी प्रिपरेशन करोगे आप सेलेक्टेड मारो आप टॉप 500 में रैंक ला सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा मैं पहले पहले बाकी चीज़ें इसमें थोड़ा खत्म कर लेते हैं ठीक है ना मैं मेरा इंट्रोडक्शन आई एम डॉक्टर स्वदेश सिंह मैं ए से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ नाइन्टी थ्री नाइन्टी सेवन बैच मैंने एम टेक और पी एच डी आई आई दिल्ली से किया है उसके बीच में मैंने वन एंड हाफ ईयर में इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब किया है मैंने एंड आई एम ए रिसर्चर बेसिकली आई एम टॉप टू परसेंट रिसर्चर इन द वर्ल्ड एज पर स्कूप डेटा 2020 तो ये मेरा लेखा जोगा है तो ठीक है कुछ बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं क्योंकि ये आपने चैट बॉक्स में देख रहे हो ना क्योंकि मेरी प्रोडक्शन की बुक है उसका फोर्थ एडिशन आज रिलीज हुआ है बाय बाई पब्लिकेशन हाउस हाउस तो इसलिए कोई बात नहीं थैंक यू वेरी मच तो देखो पहली बात तो ये भूल जाओगे प्राइवेट कॉलेज से टायर थ्री और थर्ड क्लास कॉलेज से मेरा कुछ नहीं हो सकता आपका बहुत कुछ हो सकता है ठीक है ना तो ये टॉप ऑप्शन जो सोचता हूं मैं टू बी फ्रेंक विद यू जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टॉप ऑप्शन है वो क्या है जहां तक तो मैंने सोचा है एम एस एंड पी एच डी प्रोग्राम इन फॉरन यूनिवर्सिटी अगर आप कट्टर देशभक्त हो जैसे हम कट्टर देशभक्त हैं, हमने बहुत कुछ छोड़ दिया नहीं भाई हिंदुस्तान में ही करना है कुछ कुछ पर एक बात बताएं आपको हम आप बाहर जाके देश की सेवा और ज्यादा कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही रहना है आपको देश की सेवा करने के लिए इनफैक्ट कुछ बाहर के लोग ज्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं देश की तो देखो अगर गेट में आपकी अगर अच्छी रैंक है तो मेरे हिसाब से जो तो टॉप ऑप्शन है आप एम और पी करो फॉरन यूनिवर्सिटी से मैंने चार टॉप यूनिवर्सिटी लिस्ट की है यहां पे, पर देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार यूनिवर्सिटी हो बहुत सारी और यूनिवर्सिटी जैसे फेडरेशन यूनिवर्सिटी है वो गेट स्कोर कंसीडर करती है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में वहां पे भी अगर गेट स्कोर होता है तो दे विल गिव बेसिकली फी वेवर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तो ये यूनिवर्सिटी इसकी रैंक ट्वेल्व है ये थोड़ा सा एक साल पहले का डेटा है तो आ, ये गेट के हिसाब से ये स्कॉलरशिप देती है आपको स्कॉलरशिप और फी वेवर फी इनकी बहुत ज्यादा होती है पर अगर आपकी गे, गे, गेट में अनाप शनाप रैंक है देखिए इस वीडियो को जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बच्चे आ, देख रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर उनका टारगेट बाहर से एम एमएस और पी एच डी करना है एमएस मतलब एम टेक ना एम टेक और एम एस में क्या डिफरेंस है एम टेक में कोर्स वर्क ज्यादा कोर्स वर्क ज्यादा होता है और एम एस में रिसर्च वर्क ज्यादा होता है फोर्टी परसेंट कोर्स वर्क एंड सिक्स परसेंट रिसर्च तो बाहर की जो यूनिवर्सिटी है वो जनरली आपको एम डिग्री देती है तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे जो इसको लाइव uh, लेक्चर को बाद में रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल होगा अगर देख रहे हैं तो एक काम करें अगर उनका टारगेट ये है तो एक काम करें आप बच्चे लोगों आप एक पेपर लिखो पेपर रिसर्च आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल इसके फायदे बताता हूँ देखो जैसे मैंने एक सेशन भी लिया था देखो बच्चों मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ पर आपको कंटिन्यूसली गाइड नहीं कर सकता रिसर्च पेपर ढिंग के लिए या तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी या फिर आपका जो जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं उसमें कोई ठीक ठाक से टीचर को पकड़ लो उसकी थोड़ी हेल्प ले लो पहला पेपर लिखने के लिए सपोर्ट की जरूरत है और जो बच्चे हैदराबाद में देकन कम देयर टू माई ऑफिस जी आर आई टी हैदराबाद इससे बड़ौदा पॉपुलर कॉलेज पर मैं सब बच्चों को गाइड नहीं कर सकता पेपर लिखने के लिए बिकॉज इट्स ऑनलाइन आपको पर्सनल टच की जरूरत है तो अगर आपका एक पेपर पब्लिश हो गया और अच्छे अच्छे जर्नल में मैं इसके बारे में जो आपके टीचर गाइड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से बता सकते हैं अगर एक जर्नल में कोई जर्नल है लड़से एस सी आई साइंस साइटेशन इंडेक्स आईसीआई जर्नल है और अगर नहीं है तो कोई स्कूप इंडेक्स स्कूपस इंडेक्स जनरल में ये पेपर पब्लिश हो गया और आपके गेट में लड़ा से बहुत अच्छी रैंक आ गई तो ये जो यूनिवर्सिटी नहीं है नेशनल यूनिवर्सिटी है आरडब्लू टी एच जर्मनी इसकी वन फोर्टी फाइव रैंक है तो सिंगापुर में देखा है उसको फिफ्टी परसेंट से फीस में मेरे पास इसके मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है जैसे सिंगापुर है ऑस्ट्रेलिया है जर्मनी है यूएस है उसमें कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें भी गेट स्कोर अगर आपका है तो वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी और जनरली जो स्कॉलरशिप होती है ना वो सिक्सटी थाउजेंड से सेवेंटी थाउजेंड डॉलर की होती है कभी कभी तो आपका रहना पीना खाना फ्री और कुछ पैसा भी बचेगा मेरा एक स्टूडेंट है बिकॉज आई डू रिसर्च विद द बिट्स प्लानी हैदराबाद कैंपस

ठीक है ना इसमें आपको मैं हेल्प कर सकता हूं अगर आप इस एरिया में जा रहे हैं तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए अगर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आई विल बी हैप्पी इफ इफ यू यू आर आर स्टूडेंट और जर्मनी में मैकेनिकल के लिए देखा जाए ना सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आर इन जर्मनी मेरा एक स्टूडेंट था उसने जर्मनी से एमएस किया और वहां पर उसने कंपनी खोल ली अपनी टायर थ्री कॉलेज से तो देखो बच्चों लोग ऐसा है गेट से मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर वन ऑप्शन है और इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आई एम रेडी टू गिव सपोर्ट पर आपके लिए पेपर में कंटिन्यूस गाइडेंस नहीं दे सकता मैं ठीक है ना या ट्राई टू गेट अंडर 500 हंड्रेड ट्राई टू गेट अंडर 500 हंड्रेड बिकॉज दैट विल बी वेरी इंप्रेसिव ठीक है ना uh, मैं आपको बता रहा हूं तुषार पाटिल ठीक है ना एंड प्रतीक वाजपेयी ठीक है ना केमिकल इंजीनियर के बारे में देखो अगर जो बच्चे हैदराबाद से कुछ मेरे ख्याल से एक लड़का है आ, अ, अल्ताफ आप जी आ सकते हो मेरे से मिलने के लिए जी हैदराबाद इट इज इन बाजपल्ली बिटवीन नाइन टू ट्वेल्व ए अगर कोई हैदराबाद का बच्चा है कोई अगर पेपर लिखने में कोई गार्डेंस चाहिए तो मेरे ऑफिस में जाके मिल सकता है आपसे आराम से टाइम स्पेंड करूंगा ठीक है ना मैं ओके गुड तो ये नंबर वन ऑप्शन है क्योंकि देखो हमारे जो बच्चे हैं जितने मैंने इतना मेरे ख्याल से एक लाख से ऊपर बच्चों को मैंने गाइड किया होगा अपनी 24 इयर्स की जर्नी में क्या मल्टीपल बैचेस हुआ करते थे पहले अब तो ऑनलाइन है मैं पीडब्ल्यू डब्ल्यू में एम पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू तो देखो हमारे बच्चों की बहुत थोड़ी शॉर्ट विजन होती है एम टेक सॉफ्टवेयर ले लिया पी एस सी उसमें चले गए शादी कर ली लाइफ सेटल हो गई बस बच्चों को पढ़ाया बस ये इतना ही सोचते हैं अरे भैया आगे सोचो थोड़ा स्ट्रगल करो बाहर निकलो आपकी ब्रॉड विजन होगी डॉलर्स में कमाओगे और वहां से इनफैक्ट आई आई विल से अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं आप और अच्छे देशभक्त हो सकते हैं तो ये मत सोचिए कि बाहर जाना है इसका मतलब में मदर इंडिया नो आई विल आई विल नॉट लीव इंडिया आप बाहर से ज्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं देश की जैसे मैं कहता हूं ये एक बहुत अच्छे शायर ने इसे लिखा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है इतना पढ़ो आप और इतने क्रेडेंशियल्स इकट्ठे कर लो कि हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन आपको पिकअप पिक करे आप पढ़ो फंडामेंटल डेवलप करो गेट में रैंक लाओ और कुछ अगर पेपर ले हो मेहनत करो टाइम वेस्ट मत करो खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है हमें अपना लक बनाना पड़ता है ऊपर से टपकता नहीं है एक बात ध्यान रखना एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे क्या करूं क्या करूं अरे भैया पढ़ो उससे मिलता है फ्यूचर ना कि कोई एस्ट्रोलॉजर से आपको दो करोड़ का जॉब मिल जाएगा ऐसा नहीं होता आप पढ़ो तो ये दैट इज नंबर वन ऑप्शन आई एम टेलिंग यू ठीक है ना और इसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता हूं आपको मैं ठीक है ना नाउ अब तो स्टीरो चीजें हैं चीजें है, ठीक है ना <laughs> हाँ ओके वेरी गुड पेपर बेटा जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है ना सेकंड ईयर थर्ड ईयर के यानी जब आप फोर्थ ईयर में एंट्री करो तो आपके पास से पेपर आ जाए तो इट विल बी वेरी गुड ग्रेट थिंग ठीक है ना तो आपके जो कॉलेज में ये पूछ रहे है ना अपर्णा अधिकारी तो देखो आपका जो अगर आप हैदराबाद में आई विल बी हैप्पी टू गाइड इफ यू वर्क हार्ड पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेपर लिखने के लिए बहुत पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है आपके जो कॉलेज में जो बेस्ट टीचर हो उसे पकड़ लो सर मेरे को हेल्प करो मैं 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 मेहनत मैं करूंगी रिसर्च मैं आपको आ, अगर कोई पेपर वगैरह आप डाउनलोड करना है, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ यहां से पेपर डाउनलोड कर लो पर कंटिन्यूस गाइडेंस नहीं दे सकता ठीक है ना चलो हाँ।, हाँ।, हाँ मैं देखो सबसे पहले क्या होता है ये कैप्टन सिलूथ है अपना नाम नहीं बताना चाहता इसमें क्या होता है देखो एक वेबसाइट होती है साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम तो जो पहला जो एरिया आपको अच्छा लगता हो इस एरिया को सर्च में डालो तो आपका बहुत सारे पेपर आ जाएंगे देन फिल्टर करो फिल्टर करो आप बीस पेपर पे पिन 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 पॉइंट कर लो कि ये पेपर मेरे को पढ़ के एक रिव्यू लिखना है और जो आपका टीचर है भैया उसको पता मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं पर हम पेपर को डाउनलोड नहीं कर सकते पैसा मांगने लगेगा हर पेपर के थर्टी फाइव ठीक है ना तो इसको डाउनलोड करने के लिए एक एस हब है वहां से फ्री डाउनलोड दाँग, हो जाता है अगर यहां पे कोई डाउनलोड करना हो आई कैन हेल्प यू आउट ओके ना कैसे करो डाउनलोड करके पेपर भेजना हो हो पर हब हाँ से डाउनलोड जाता है ठीक है ठीक ना इट्स ओपन एक्सेस ओके नाउ ये तो कुछ कुछ स्टेप्स थी सेकेंड टॉप ऑप्शन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ठीक है ना पर इसमें डिपेंड करता है साल टू साल वेरी करता है कभी कभी

चंदन झा जी उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है इसमें। अब वो सेशन देख सकते अगर आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है या तो घर में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके छोटे छोटे भाई बहन है उनको पढ़ाना हो या फिर शादी करनी हो घर सेटल करना हो भैया मैं बहुत हो गया अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ तो पी एस सीज द बेस्ट ऑप्शन आई हो गई बी हो गई ओ हो गई ओ की सैलरी बहुत ज्यादा होती है पर उसमें आ, पोस्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ठीक है ना तो कह सकते हो इंडिया में जिसको अपनी लाइफ सेटल करनी है उसके अरमान इतने बड़े नहीं है तो पी अच्छी चीज़ है और इसमें मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी अंडर 1500 रैंक है मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं से रोते गिरते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ठीक है ना तो पी नाव कुछ बच्चे निटी के बारे में पूछ रहे हैं तो निटी में देखो बेटा ऐसा इस साल तो कॉल आया था गेट 2023 का जो रैंक था ना कॉल आया था हमने बहुत बच्चों को गाइड भी किया था और सिलेक्शन भी हुआ है। पर गेट 2024 थाउजेंड परसेंट इट विल नॉट बी थ्रू गेट क्योंकि वो कैट के थ्रू होगा इट्स अ बी स्कूल एम बी स्कूल तो आप भूल जाइए निटी को अगर निटी करना है तो अब आप 2024 से आपको कैट देना पड़ेगा तो 99% परसेंट निटी इज आउट 2023 के लिए हुआ था ठीक है ना ठीक है रिसेंटली ज्वाइन हुआ है देखो आशीष डोंगे आप डिपेंड करता है आपका कौन सा पीएसयू है आप घर के पास है कहा जाना चाहते हैं बट दैट्स करेक्ट यू सी अगर आप कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं आपको अगर कोई दूसरा एग्जाम देना है तो वहां आपको बताना पड़ेगा अदरवाइज दे विल नॉट रिलीव तो ये ये पर्सनल डिस्कशन है तो हमारे टीम तुलना के कुछ मेंबर्स हैं उनसे बात करो आप जैसे कुलदीप जी हैं उनसे बात करो अपरूप राव जी हैं उनसे बात करो ऐसी चीज है वो पर्सनल वन टू वन बेसिस बताएंगे देखो तीसरा जो ऑप्शन है बेटा इसमें बहुत ज्यादा ठीक है ना पास आउट स्टूडेंट अभिषेक सोनकर बोल रहे हैं देखो पास आउट स्टूडेंट कर सकते हैं पर मैंने सेकेंड ईयर थर्डी थर्टी के लिए बताया क्यों बोला क्यों जब फाइनल फाइनल ईयर के बाद निकलेंगे गेट के साथ उनके पास पेपर होगा क्रेडेंशियल बहुत अच्छे होंगे क्योंकि अब नए बच्चों को जिनके जिनको पेपर पब्लिकेशन का कोई आइडिया नहीं है कम से कम छह सात महीने लगता है सीखने में हम सिखाते हैं बच्चों को तो उनके पास उतना हो सकता है उतना टाइम नहीं हो पर जो सेकंड ईयर वाला बच्चा बेस्ट ब्रैकेट है उसके बाद बहुत टाइम है गेट अभी डेढ़ साल के बाद है उसके बाद बेस्ट टाइम है पेपर लिखने का तो जो वीडियो जो सेकंड ईयर वाले बच्चे देख रहे हैं यू नो दे शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज इट ओके ना ना देखो बच्चों ये तीसरा नंबर जो है ना इसके बारे में बताता हूं आपको मैं एम टेक एमएस जैसे मैंने एम एस और एम टेक में डिफरेंस बताया ना एम टेक में पहली साल सिर्फ कोर्स वर्क होता है सेकंड ईयर सिर्फ प्रोजेक्ट uh, वर्क होता है पर एम टेक की डिग्री दो साल में फिक्स दो साल के बाद डिग्री मिलेगी मिलेगी आपको पर एमएस कोई ऐसा आई आई टी नहीं है जो ढाई या तीन साल से पहले एमएस की डिग्री दे कम से कम तीन साल का कोर्स uh, होता है और तीन साल आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसमें पहले कुछ बच्चे होते हैं पहले सेमेस्टर में सारे कोर्स खत्म कर लेते हैं कुछ लोग होते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सिर्फ रिसर्च करते हैं जो लोग एम करते हैं ना उनका टारगेट पीएचडी होता है जनरली जो लोग एम करते हैं आई से उनका टारगेट होता है पी बाहर से करना प्राइमरी जर्मनी और सिंगापुर और यूके भी कुछ लोग जाते हैं हमारी एक लड़की है स्टूडेंट है वो यूके गई है पोस्टॉक करने के लिए और यूएसए तो एम एस अब जब ही करना जब आपका टारगेट पीएचडी हो अदरवाइज एमएस करने से फायदा नहीं है जो जॉब आपको एम टेक करके मिलेगी वो एम एस करके भी मिल जाएगी पर यहां पता है इशू क्या है आपने एक कंट्रोवर्सी देखी होगी आपके आई आई टी वगैरा में सिविल इंजीनियर के लिए करवाएंगे बेटा आप सर अभय राजपाल आई में आपने देखो न्यूज की क्लिपिंग देखी होंगी वो क्या थी कि फिफ्टी परसेंट सीट एम जो ना हमारे स्टूडेंट हैं जो फैकल्टी हैं एक आईआईटी में तो वो तो बता रहा था चले कि अभी जो एम टेक में एडमिशन हुआ सिर्फ 20 परसेंट सीट भरी तो उसको हमने एमएस में कन्वर्ट कर दिया है फिर तो पता है इसमें रीजन क्या होता है कि एम के एडमिशन हो गए पहले बाद में क्योंकि बच्चे का जो ऑप्शन होता है एम टेक करना तो लास्ट ऑप्शन होता है पहला तो जॉब करना चाहता है वो तो हुआ क्या जैसे जनरली एवरी प्रोग्राम हैविंग सीट्स भर गई उसके बाद पब्लिक सेक्टर के रिजल्ट धीरे धीरे निकलने लगे तो धीरे धीरे करके लड़के जाने लगे <laughs> तो जब कोर्स खत्म होता है ना एम टेक का तो मेरे ख्याल से थर्टी और फोर्टी परसेंट बच्चे ही बचते हैं बाकी निकल लेते हैं धीरे धीरे पतले रास्ते से <laughs> तो इसलिए 50 परसेंट सीट रिमेन्स वेन्ट और जनरली आईआईटी में ऐसा तो होता नहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भैया पैसा चाहिए इसलिए लेटरल एंट्री करो लेटरल एंट्री ऐसा सिस्टम होता नहीं है तो एडमिशन होते हैं पर धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं क्योंकि पता कि एक चीज होती है यू नो ऐसा मेरे को बोलना नहीं चाहिए आई में पता है क्यों लोग जाते हैं सेवन स्टूडेंट आई में क्यों जाते हैं एक तो रूम मिल जाता है स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ने के लिए स्पेस मिल जाता है वहां जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं लोग सिविल सर्विसेज हो गया और दोबारा से गेट इंप्रूव करना जिससे कि पब्लिक सेक्टर क्रैक हो बाकी बचे थर्टी परसेंट लोग क्या करते हैं उन्हें बाहर जाना होता है बिकॉज आई आई टी इज अ वेरी गुड लॉन्च पैड टू गो फॉर एम एस एंड पी एच डी प्रोग्राम अब्रॉड प्राइवेट कॉलेज से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी पर आईआईटी से जाएंगे अगर पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी और आईआईटी का सिस्टम इतना फैंटास्टिक होता है वहां आप खुद ही सीख जाएंगे कि पेपर कैसे लिखना है आपको आपको मेरे को बता रही जरूर नहीं है प्राइवेट कॉलेज में कोई नहीं बताता पर आई में खुद में खुद, 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 खुद सीख जाते हैं पेपर कैसे लिखना है कैसे करना है कहां भेजना है सब कुछ तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन पर आप पे डिपेंड करता है कैसे लेते हैं यहां पे से ठीक है ना और पीएचडी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है पीएचडी करने के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन है पहला ऑप्शन है क्या टॉप ऑप्शन है पीएचडी करने के बाद स्पेशली अगर आपकी पीएचडी अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया बायोमेडिकल हो गया इसमें है तो आपको इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चांस मिलेगा आपको इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चांस मिलेगा इनकी सैलरी मेरे ख्याल से थर्टी थर्टी फाइव से शुरू होती है अगर जैसे हमारा एक स्टूडेंट है बिट्स फिलानी का अभी रिसेंटली उसने पी खत्म की है उसको जैसे फैकल्टी पोजिशन में ज्यादा पैसा नहीं मिलना मैकेनिकल वालों को सब लोग जानते हैं पर उसकी बेंगलोर में आ, किसी कंपनी ने लिया ओला उसने बैटरी में की थी पीएचडी बैटरीज में तो ओला ने हायर किया है उसे एट ए वेरी हाई पैकेज तो ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इनका सीन होता है अगर सपोज इंडस्ट्री में खुदा न खास्ता नहीं गए पीएचडी में हराम खोरी की और मतलब समझ लीजिए कुछ न तो पेपर पब्लिश की कुछ नहीं किया पर फिर भी एक दो लोकल जर्नल में पब्लिश करके डिग्री मिल गई तो अगर यहां पे इंडस्ट्री में नहीं जा पाए तो कॉलेज में जाओ कॉलेज में एज ए लेक्चरर यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मैंडेटरी करने वाली है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाएगा उसके पास पीएचडी होनी चाहिए तो वहां पी एच डी चले, चले जाओ वहां भी आपको जॉब मिल जाएगी पर सैलरी वाइज हियर इट विल बी वेरी हाई अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी शुरुआत होगी मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं दैट इज सेप्टेम्बर टू थाउज अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और यहां पे अगर आई आई टी से अगर आपने पी एच डी कर लिया है तो आपकी सैलरी एनुअली अप्रॉक्सिमेटली टेन टू ट्वेल्व लैक्स होगी आज की डेट में बता रहा हूँ पर इंडस्ट्री में इट गोस टू एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पर पीएचडी के बाद आप बेरोजगार, से की, तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे ठीक <laughs> है ना हम भी रिक्रूट करते हैं ठीक है ना स्पेशली तेलंगाना स्टेट थर्टी परसेंट रिजर्वेशन फॉर वोमेन ओके ना? कोई बच्ची पूछ रही है कोई मेरे ख्याल से इसका, ठीक है ना पीएचडी में क्या करना होता है पीएचडी क्या होती है एमएस होती है छोटी प्रॉब्लम पीएचडी होती है बड़ी प्रॉब्लम कोई एक्सपेरिमेंटेशन करो उसको मैथमेटिकली वैलिडेट कर दो और तीन चार पेपर निकाल लो वो पीएचडी है जैसे एम टेक में प्रोजेक्ट होता था ना वो छोटा प्रोजेक्ट होता है एमएस का थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है पीएचडी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता, होता है जैसे तीन साल लगते हैं करने में इतना डिफरेंस है बस ठीक है ना बीटेक कोर ये बहुत बड़ा एक्चुअली क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं बीटेक कोर के लिए कौन सी सबसे ब, बेस्ट ब्रांच है फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट चौधरी को बताऊंगा देखो बेस्ट ब्रांच अगर देखा जाए आज की तारीख में इट्स इी जो आपका जो छोटा भाई है छोटी बहन है अगर एडमिशन लेना है ईसी इज द बेस्ट ब्रांच एट दिस मोमेंट बट इन इंडिया पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट नाउ इसको फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट एज ए फैकल्टी देखो जो मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ हर साल कोई ना कोई हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कोचिंग में फैकल्टी बनता है उसके लिए बस दो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नंबर वन आपको फंडामेंटल आना चाहिए यू शुड बी इन ए पोजिशन टू एक्सप्रेस इट कभी गलत मत पढ़ाओ क्योंकि बच्चा कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रहा है बेचारे ने टायर टायर नहीं कॉलेज है वहां कुछ पढ़ाई नहीं हुई वो कुछ सीखने के लिए आ रहा है अगर आप उसे बेवकूफ बनाने लगे जैसे नाच गाने करके अगर आप लिक्वरेटिव करना है पढ़ाया कुछ है, स्टफ है नहीं ऐसा मत करो प्लीज क्योंकि उस बच्चे के फ्यूचर बिगड़ रहा है आपका दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर वन एंड रिक्वायरमेंट नंबर टू ट्रीट द स्टूडेंट एज ये तब कोचिंग में आओ आप देखो यूज बी सक्सेसफुल एंड गॉड विल शो दीक है ना कोचिंग में इसको बहुत है फिक्र मत करो ठीक है ना ओके नाउ द फोर्थ ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन इज कोर सॉफ्टवेयर इसको लोग एक्सप्लोर नहीं करते जैसे अगर आप एम टेक में जाओगे ना किसी अच्छी आई आई टी में जैसे आई आई टी डेली कानपुर बॉम्बे खड़गपुर चेन्नई आई आई सी बेंगलोर अगर आपने अच्छा काम किया कुछ सॉफ्टवेयर सीखे तो कंपनीज ही आपको हायर कर लेती हैं ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर ईटा एक चीज होती है पाइपिंग सॉफ्टवेयर जो मिडिल ईस्ट में जो आपके जो है ना इंटर कॉन्टिनेंटल पाइप होते हैं जिसमें ऑयल वगैरह जाता है ऑयल और गैस जाती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो समुद्र के अंदर चलती है ना पाइप्स वगैरह इसके लिए सॉफ्टवेयर होता है पाइपिंग सॉफ्टवेयर तो इन, इन में अगर है आपकी आप समझ भी नहीं सकते आपकी पैकेज कितना होगा इट अप टू टू इन द बिगनिंग और ज्योमेट्रिक है ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर है ईटा है जो फाइनाइट एलिमेंट कोर्स बनाती है अगर आपने ये ऑप्शन जो है आई आई टी से काफी अच्छे मिलेंगे आपको अगर आप <coughs> किसी आईआईटी में घुस के आपका अच्छा गाइड भी मिल गया आपने सॉफ्टवेयर और उसके कोडिंग पे कमांड कर लिया क्यों देखिए जो फाइनाइट एलिमेंट कोड है उसके पीछे एक मैथमेटिकल इक्वेशन चल रही है ना अगर आपने समझ लिया कि कैसे चल रही है उसका कोड कैसे लिखा जाएगा मैकेनिकल की बात कर रहा हूं जैसे ही कोड न कोड का नाम आता है ये मैं समझ लेना कि कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं ये मैकेनिकल की बात कर रहा हूं मैं अगर आपने सीख लिया देन माई गॉड माई गॉड आई एम टेलिंग यू यू डोंट हैव टू वरी अबाउट जॉब ठीक है ना और वो मल्टीलैक्स में जाएगी मंथली तो ये पर नहीं मिलेगा यह आई आई कॉलेज से नहीं मिलेगा ये आईआईटी से मिलेगा और या फिर आप बाहर जाओ एम एस और पी करने के लिए वहां से मिलेंगे ऑप्शन आपको जैसे मैंने बताया मेरा एक स्टूडेंट है ही इज हेडिंग द डिजाइन सेक्शन ऑफ द कंपनी दैट मेक्स द हेलमेट इन यूएस और अभी शादी नहीं हुई सी ही इज अ वेरी यंग फेलो अर्निंग वेरी गुड अमाउंट तो ऐसा नहीं है मिनिमम रैंक आप देखो ये प्रतीक वाजपेयी आप रैंक जो है गेट में अंडर थाउजेंड आने की सोचो अंडर थाउजेंड आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे और देखो अंडर थाउजेंड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हम मैकेनिकल में बच्चों को बताते अंडर थाउजेंड इज नॉट दैट डिफिकल्ट इट्स वेरी इजी बस एक टीचर के साथ रहो, टीम द्रोणा है बहुत अच्छे टीचर्स हैं इसमें ऐसा नहीं सब लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं सर आप तो नए लोग हैं ऐसा कुछ नहीं है ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ टीम द्रोणा तो आप बहुत सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे होंगे जो आ, आ, जो पढ़ रहा है हमारे लिए चाहे विजय बैच में चाहे पराक्रम में चाहे श्रेष्ठ में आप टीचर के साथ चलो और देखो हम लोग पीडब्ल्यू ने क्या किया हर टीचर का एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है तो उसमें अगर उस टीचर से कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो उसमें डालो टीचर रेस्पोंड करते हैं पूरा सपोर्ट है आपके साथ और थाउजेंड रैंक इज वेरी वेरी इजी एंड इफ यूट माई ग्रुप इट इज स्वदेश सर सर्च करो इसमें टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं ये थाउजेंड रैंक बहुत ईजी है हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को अंडर हंड्रेड लाने के लिए हमारे पास कुछ बैचेस हैं उसमें बहुत शार्प बच्चे हैं अभी भी अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करो अंडर था ला सकते हैं कैसे हम पर्सनल चीजें बताएंगे आपको टेलीग्राम वगैरह में ठीक है ना वेरी गुड वेरी गुड ना सिक्सटी परसेंट है कोई बात नहीं मेरी तो सिक्सटी थ्री परसेंट ही ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास में <laughs> आप देखो ऐसा मत बोलो हम यूपी के हैं और यूपी में हमारी अंग्रेजी माशाल्लाह होती है मतलब आती नहीं है हम अंग्रेजी यू, यूपी वालों को नाइन्टी एट में मैंने ट्वेल्थ टेंथ किया था नाइन्टी में मैंने ट्वेल्थ किया था मेरे सिक्सटी थ्री परसेंट मार्क्स थे और देखो मैं भगवान की कृपा से कितना सही हूँ मैं तो आपकी इंटरमीडिएट में कुछ भी परसेंटेज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जब से पढ़ना शुरू कर दिया तब से आपका कैरियर बनेगा पर बीटेक में परसेंटेज मत गिराना बस ट्वेल्थ में भाड़ में जाए बस पास हो गए ना कुछ लोग पता है डिप्रेशन में चले जाते हैं और परसेंटेज नहीं है अरे क्यों चार्टोगे थोड़ी अस्सी परसेंट है साठ परसेंट है सम्ह साठ परसेंट वाला अच्छा कर लेता है मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल देता हूं मैं टॉपर हूं मैं गोल्ड मेडल एएमयू का पर मैं अब नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है लाइव लेक्चर है बाद में रिकॉर्डेड होगा मेरा एक फ्रेंड था ठीक है ना ए एह अहमद फुल नाम नहीं बताऊंगा मैं <laughs> और वो मिडिल ईस्ट में है वो मेरे से चार गुना सैलरी मान पा, पाता है वो और वो उसकी हर हर सेमेस्टर में बैकलॉग आती थी, थी अब बताओ आप कभी भी डिप्रेशन मत जाओ बेटा वेन यू लुक फॉर गॉड विल गिव यू द वेस्ट तो मैंने चार ऑप्शन बताए और चारों ही सुपर ऑप्शन है एंड ऑल फोर ऑप्शन ना हा देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टाइम आने वाला है क्योंकि सब लोग सी एस सी फलाना भाग गए अभी मैकेनिकल में बहुत अच्छे एडमिशन हुए नंबर ऑफ आर मोर कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट अपीयरिंग आर लेस तो आप टेंशन में लो दो तीन साल में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है ठीक है ना हा गेम बॉय बिकॉज आप सीजीपीए को 7.5 से नीचे मत आने देना क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो यूज जो वाला ऑप्शन है ना जो पी एस यूज में और कोर सॉफ्टवेयर में वहां पे सीजीपीए काउंट करते हैं तो सीजीपीए किसी सिचुएशन में 7.5 से नीचे नहीं आनी चाहिए उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है फिर ठीक है ना नहीं मैं फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं लेता मैं बेटा सेकंड ईयर की क्लास लेता हूं मेटेरियल साइंस पढ़ाता हूं सिर्फ क्योंकि मेरे पास

अगर कुछ नहीं मिलता है मरता क्या ना करता तो उसमें कॉलेज जाओ कॉलेज अच्छा में आगे अच्छा खासा कोई दे देगा साठ सत्तर हजार रुपए आराम से आराम से देगा कोई कहीं भी नहीं लगता तो कोई ठीक है ना इसमें अपर्णा अधिकारी देखो पेपर देखो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी मैं बट पेपर राइटिंग में जिस भी कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हैं आपको एक कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए आप एक दो दिन में पेपर की आर्ट लिखनी नहीं आएगी आपको वीकली कम से कम दो तीन बार टीचर से मिलना पड़ेगा थोड़ा लिख के दिखाओ। guidance, उसके आपको आ तो इसलिए बच्चे हैदराबाद में हैं दे कैन मीट बट जहां भी पढ़ रहे हैं आप, आपको एक कंटिन्यूस गाइडेंस की जरूरत है ठीक है ना सुरभि हमारे पास सिविल के बहुत ती, तीस खान टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेम सेशन ऑर्गेनाइज से आपके लिए ठीक है ना चलो ऐसा करना भाई बच्चे लोगों क्या <laughs> आ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से ये मेरे टेलीग्राम चैनल है स्वदेश सर करके पीडब्ल्यू का टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लेना कोई भी क्वेश्चन हो आई विल बी हैप्पी टू आंसर ठीक है ना तो करण सिंह ट्राई करेंगे हमें से ठीक है ना इस वीडियो को ट्राई करेंगे ठीक है ये ना पब्लिकेशन कैसे करें इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा पर गिव मी सम टाइम ठीक है ठीक है सब लोग ठीक है प्रोडक्शन फ्यूचर देखो जो ओ में है जो पाइप ड्रिलिंग इंजीनियर होता है पर्सन इज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जो पाइपिंग सॉफ्टवेयर सीख रहा है ना अपना जनरली दीज पीपल आर प्रोडक्शन इंजीनियर्स और दे आर वेरीजिंग उनका पैकेज बहुत ज्यादा हाई जाता है ठीक है ना भाई देखो अपॉर्चुनिटी हर चीज के लिए है ठीक है ना तो देखो आप ऐसा करते बेटा इस सेशन को थोड़ा सा खत्म करेंगे यहां पे हम और मैंने इनिशियली प्लान किया था ट्वेंटी मिनट के लिए पर आप बच्चों के क्वेश्चन लेने लगा था और जो भी क्वेश्चन हो वी आर देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू थैंक यू वेरी मच सी यू लेटर थैंक यू वेरी मच